पापा को बोले कि अकेले काम अप निपटा दिए उधर वाला खेत, तो पापा डांट रहे हैं, बोल रहे कि ले सड़त रहा निगार में। तो फाइनली गाइस ये देख सकते हो हमारा धान आ चुका है। चहर का नूर मुझे देता है शुरू, तेरी हर कदम में कोई जादू है। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप सभी को बढ़िया होगा। मैं भी बढ़िया हूँ, बट आज थोड़ा सा कड़िया होने वाला हूँ, क्योंकि गाइस आज दिन भर का काम है। सुबह पापा उठे और बोल दिए कि दिन भर का काम होने वाला है। ये सब सोच के सुन के थोड़ा सा डिप्रेशन में चल के बढ़ गए। मेरी प्यारी बहन को देखे ना तो डिप्रेशन से बाहर आ गए। कहाँ जा रही है तुम दौड़ के? लो फूल, ये रे बाप, फूल ही नहीं ले रही है, देख सकते हो इधर उधर हवा में चल रही है मेरी प्यारी बहन। तो गाइस बरसात आ गया, देख सकते हो मौसम, देख सकते हो पूरा टिप टिप पानी गिरा रहा है। तो बरसात आ गया, इस वजह से गाइस खेतों में बीड़ा करना बहुत जरूरी है। तो आज बीड़ा करने का प्रोग्राम भी होने वाला है, आज बीड़ा पूरा दिन होने वाला है, एकदम सुबह से शाम तक बीड़ा होने वाला ना बहन। क्या बोलती है, सुनाइए नहीं देता है। चाहिए तुमको, चाहिए तुमको, लो इसको, इससे खेलो, इससे खेलो। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, ओ मुझे बस तुमसे दिल लगाना है। देख सकते हो मेरी प्यारी बहन कर रही है एक्शन, बहुत ही ध्यान कर रहा है। गाड़ी को ऐसा ऐसा मारती है और बोलती है डाडा 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 बोलती है। ये वाला गाड़ी देखती है और भैया भैया बोलने लगती है ना। छिप गई, छिप गई। फिलहाल पापा पहले चले गए और फिर हम और भाई अभी इस गाड़ी से जाने वाले, हमारे स्कूटी से, तो खेतों में यही वाला स्कूटी को उड़ा देंगे। तो अभी फिलहाल पापा चल गए हैं, तो अभी हम लोग कोरी वोरी लेके अभी डायरेक्ट निकलते हैं और साथ में हमारी बहन भी जाएगी। तुम भी जाएगी, तुम भी जाएगी, खेत जाएगी, खेत इसके साथ खेत जाएगी। इसका दांत भी निकल गया। तो फाइनली गाइस वी आर रेडी टू गो, गाइस खेतों में जाने के लिए पूरा रेडी हो चुके हैं। और ये देख सकते हो भाई भी पूरा रेडी और हमारा गाड़ी भी रेडी, देख सकते हो हम लोग क्या क्या ले जा रहे हैं। हाँ, एक कुदाल ले जा रहे हैं और ये देख सकते हो एक छाता है, टूटा फूटा छाता, एक ही छाता में हम लोग बचने वाले हैं। नदी साइड जाने वाले हैं ना, तो उधर बहुत सारा पेड़ है, तो उसके नीचे ही बचेंगे। और ये देख सकते हो मम्मी लोग बाद में आएगी, अभी फिलहाल हम लोग जाएंगे, फिर मम्मी लोग खाना वाना खा के उसके बाद आएगी, बहन भी आएगी साथ में। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए अभी फटाफट निकलते हैं और फिर मिलते हैं गाइस खेतों में और पूरा दिखाते हैं वहाँ का माहौल, वहाँ का व्यू दिखाते, पूरा खतरनाक है गाइस उधर का व्यू, तो आप हमारे साथ बने रहो। मोर प्यारा जार सुंदर लगेला, हाय मोर जार प्यारा लगेला, हाय मोर जार। तो हम लोग अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, तो वो देख सकते हो वहाँ पे कलवट है गाइस, तो वहाँ पे हमारा खेत है और वहाँ वाला काम कंप्लीट हो चुका है। पापा अकेले ही काम निपटा दिए और पापा ये देखो इस साइड पे वो पैदल जा रहे हैं रेड कलर का टी शर्ट पहन के। हम लोग का लेट हो गया तो शायद पापा डांटेंगे ऐसा लग रहा है मेरे को, बट देखते क्या होता है। बादल इतना ही प्यारा लग रहा है ना कि क्या ही बोले, पूरा मस्त लग रहा है बादल। और गाड़ी देख सकते हो, ओ माय गॉड, गाड़ी भी पूरा भयंकर लग रहा है, ये देख सकते हो। तू जिसा हंसी मैंने देखा ही नहीं, तेरी हर एक कदम में कोई जादू है, चेहरे का नूर मुझे देता है सुरूर, तेरी हर एक कदम में कोई जादू है, तू मेरा है नशा, तू मेरा है जुनून। तो भाई आगे बढ़ चुका है, तभी हम लोग भी फटाफट निकलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ता है सुरूर तेरी हर एक कदम में कोई जादू है, तू मेरा है नशा, तू मेरा है जुनून। मैंने देखा ही नहीं। तिलक भाग जाओ बच जाएगा भाग जाओ मर जाएगा बाबू। फाइनली गाइस हम लोग दूसरा लोकेशन पे आ चुके हैं गाइस, वो वाला लोकेशन का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, पापा अकेले काम निपटा दिए और पापा यहाँ पे आए, देख सकते हो जूम करते हैं, ये देख सकते हो ऑरेंज कलर का टी शर्ट है पापा का, तो पापा अकेले ही काम कर रहे हैं, हम लोग का लेट हो गया। और ये देख सकते हो गाड़ी यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं हम लोग,
और व्यू देख सकते हो यहाँ का, पूरा खेतों का व्यू देखो गाइस। और एक सप्ताह के बाद गाइस पूरा हरियाली हरियाली दिखेगा, लोगों को भी दिखाएंगे, पूरा भयंकर व्यू लगता है गाइस। और ये देखो यहाँ पे हमारा गाड़ी खड़ा, अरे हम हर वक्त चाबी निकालना भूल जाते हैं, ये देख सकते हो चाबी हमारा, तो निकाल देते हैं वरना कोई चाबी लेके चला गया तो फिर हम लोग गाड़ी कैसे ले जाएंगे, अरे लॉक कैसे होता है जी। तो फिलहाल अभी लॉक हो चुका है, तो अभी फटाफट वहाँ चलते हैं और थोड़ा मोड़ा काम करते हैं, पापा का ख्याल सोच करते हैं, तब जाके पापा को भी अच्छा लगेगा। भाई तो पहले ही दौड़ के पहुँच गए, देख रहे हो, तभी हम भी चलते हैं और काम हम करते हैं, तो आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या काम हम लोग करते हैं बीड़ा लगाने के लिए, तो आप हमारे साथ बने रहो। फाइनली गाइज वी रीच आवर खेत गाइज, तो ये देख सकते हो ये रहा हमारा खेत, और पापा और भाई पूरा मेहनत कर रहे हैं, और पापा को बोले कि अकेले काम आप निपटा दिए उधर वाला खेत, तो पापा डांट रहे हैं, बोल रहे कि ले सड़त रहनी घर में, ऐसा बोल रहे, बताइए ये नागपुरी लैंग्वेज है, तो नागपुरी लैंग्वेज भी थोड़ा मोड़ा यूज़ करता हूँ मैं। कितना केजी लगाते हैं पापा? 1 केजी ये वाला खेत में लगाते हैं, उसके बाद फिर बाकी खेत में 2 केजी 4 केजी ऐसा लगाते हैं, तो फिर फटाफट ये वाला काम कंप्लीट करते हैं। देख सकते हो हम लोग किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं, ये जो खेत आप देख रहे हो उसका सेंटर पे हम लोग बनाते हैं एकदम सीधा सा पूरा, मतलब कि फोड़ते हैं जितना बड़ा बड़ा ढेला है वो सबको फोड़ के पूरा एकदम सीधा कर देते हैं, और यहीं पर हम लोग धान को छीट देते हैं, और इसी को बोला जाता है बीड़ा गाइस। तो ये देख सकते हो अभी थोड़ा मोड़ा बस बचा हुआ है, तो अभी हम भी अपना कुदाल, कहाँ है मेरा जी, अच्छा कुदाल मेरा भाई को ही लेंगे, और भाई को बोलेंगे वीडियो वीडियो बना, और अभी करते हैं अभी पूरा प्लान, और उसके बाद फिर दिखाते हैं आगे क्या क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ बताने वाले हैं, तो आप अंत तक बने रहना, बहुत ही मज़ेदार वाला ब्लॉग बनने वाला है। तू जिसा हंसी मैंने देखा ही नहीं, तेरी हर गदा में कोई जादू है, चेहरे का नूर मुझे देता है शुरू, तेरी हर गदा में कोई जादू है, तू मेरा है नशा, तू मेरा है जुनून, है मोर सुंदर झारखंड, है मोर प्यारा झारखंड, है मोर सुंदर झारखंड। तो फाइनली गाइस वी डिड इट, यहाँ का भी काम कंप्लीट हो चुका है, तो ये देख सकते हो हमारा काम, तो यहाँ पे पूरा प्लेन हो चुका है, और जितना घास उस था सबको हटा दिए, देख सकते हो पूरा सेंटर पे ये वाला जो खेत है इसका पूरा सेंटर पे, तो यहीं पे हम लोग बीड़ा लगाने वाले हैं, और पापा उधर शायद मांद को यहाँ पे शायद छीटेंगे, शायद मतलब आज ही बीड़ा उड़ा करेंगे ना, तो उस बीड़ा उड़ा करने के बाद मांद को छीटा जाता है, और भाई पता नहीं क्या कर रहा है, और उधर देख सकते हो उधर मेरी प्यारी बहन सब भी आ रही है, और मम्मी भी छाता लेके, मम्मी का तबीयत ख़राब है इस वजह से छाता वो तो पकड़ के आई है। फाइनली गाइस अभी यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग घर जा रहे हैं, घर जाएंगे, घर से परता उड़ता लेके आएंगे, फिर वो सब जो बीड़ा का सामान सब है सब सब कुछ को लेके आएंगे। ये देख सकते हो घर जाने के लिए सब कुछ रेडी हो चुका है, तो अभी फिलहाल फटाफट घर निकलते हैं, और उसके बाद फिर सामान वामान खरीदते बीड़ा करने के लिए, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग घर आए हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान हम लोग का छूटा हुआ था, बीड़ा करने का सारा सामान छूटा हुआ था, इस वजह से अभी घर आए हैं। ये देख सकते हो हमारा प्यारा होम, तो अभी पापा गए हुए हैं गाइस धान लेने के लिए, और हम लोग आए हुए हैं गाइस भूसा और फिर परता वरता लेने के लिए, तो ये देख सकते हो ये रहा भूसा, और साइड में ये देखो बछड़ा, ए बाबू कैपेटे पे नहीं चढ़ो यार, तो ये रहा भूसा, तो इसको बांधते हैं सबसे पहले, क्या चीज़ से बांधेगा तिलक, ये सबको बांधना पड़ेगा तभी गाड़ी में लोड होके जाएगा, और गाड़ी भी हमारा स्कूटी पापा लेके गए हैं, और फिर पापा का बाइक बस है, तो पापा का बाइक में ही इसको लोड करके ले जाएंगे। तो ये देख सकते हो ये वाला रस्सी को तोड़ रहा है मेरा भाई, तो ये वाला तोड़ के यहाँ पे बांधेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे गाइस अपना लोकेशन पे, और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो फाइनली गाइस ये देख सकते हो हमारा धान आ चुका है, कितना पैकेट लिए पापा, कितना लिए, 7 पैकेट लिए, और ये देख सकते हो ये सब सल्फेट है, स्कूटी में बहुत आसानी से गाइस आगे हम लोग रख देते झोला और आराम से सामान आ जाता है। ये देख सकते हो यहाँ पे हम लोग भूसा और परता सब रखे हुए, और एक गाड़ी हमारा भाई निकाल रहा है, तो अभी गाइस एक पानी का बोतल बस पकड़ते हैं, उसके बाद फिर फटाफट निकलते हैं। पता नहीं पापा क्यों निकाल रहे हैं, कहाँ निकाल रहे जी, अच्छा ये सब जो धान है ना, ये सब जो धान आप देख रहे हो ये सब धान दूसरा खेत के लिए है, जो खेत अभी हम लोग कम्प्लीट नहीं किए हैं वो खेत के लिए है, तो ये सब धान को अंदर रख देते हैं, इधर ही रख देते हैं, अभी तो सब साइड लॉक है ना, तो इस वजह से ये धान को इधर ही रख देते हैं, तभी एक बोतल में पानी भरते हैं, उसके बाद फिर फटाफट निकलते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग फर्स्ट वाला लोकेशन पे आ चुके हैं, जो फर्स्ट बार हम लोग आए थे वही वाला लोकेशन में आए हैं, ये देख सकते हो वहाँ पे कलवर्ट है, कलवर्ट के पास ही हमारा खेत है,
तो देख सकते हो भाई जा रहा पीछे पीछे और पापा धान लेके जा रहे हैं और गाड़ी हम लोग यहीं पे खड़ा किए हुए हैं। ये देख सकते हो ये लोग पर्ता छोड़ दिया मेरे लिए, तो गाड़ी का चाबी निकालते हैं, पर्ता पकड़ते हैं और फटाफट निकलते हैं वो वाला खेत। तो फाइनली गाइस ये देख सकते हो हम ठीक से यहाँ पे पहुँचे भी नहीं और पापा काम स्टार्ट कर दिए, ये बीड़ा छीटना स्टार्ट कर दिए। ये देख सकते हो किस तरह से हाथ किया जाता है और छीटा जाता है। हमको भी आता है बट पापा हमको नहीं देते छीटने के लिए, और भाई को भी आता है। भाई तुमको नहीं आता है ना? No. इसको नहीं आता है। अभी धान छीटा जाएगा, उसके बाद फिर क्या छीटा जाएगा? उसके बाद यहाँ भूसा दिया जाएगा, उसके बाद फिर भूसा दिया जाएगा, उसके बाद माइन दिया जाएगा। तभी सब चीज़ आप लोग को दिखाने वाले हैं, बहुत ही भयंकर वाला प्रोसेस रहता है। अच्छा लगता है ये सब करने में, हल्का काम है, ज़्यादा भारी काम नहीं, इस वजह से मज़ा आता है। अभी देख सकते हो हम लोग धान छीट लिए, अब हम लोग जा रहे दूसरा खेत। दूसरा खेत से हम लोग को माइंड लेके आना है, क्योंकि वही वाला खेत में हम लोग माइंड रखे हुए हैं। परता के हेल्प से हम लोग सर पे बो के लाएंगे गाइस ये वाला खेत। तो अभी फटाफट निकलते हैं वो वाला खेत और वहां से फिर आते हैं माइंड लेके। एक बार में हो जाता ना। तो फाइनली गाइस हम लोग दूसरा वाला खेत आ चुके हैं गाइस। तो ये देख सकते हो ये वाला हमारा बड़ा खेत, नदी के साइड वाला खेत। एक बार हम लोग यहाँ पे पार्टी किए थे, जो बकरा वाला पूजा किए थे, तो यहीं पे पार्टी किए थे हम लोग। और उसके बगल में हमारा खेत बहुत ही बड़ा है, यही वाला सबसे बड़ा खेत है हम लोग का। और नीचे पे आपको नदी मिलेगा और इस साइड से मम्मी भी आ रही है। तो हम लोग ये वाला माइंड को गाइज हम लोग वो वाला खेत में ले जा रहे हैं। तो अभी देख सकते हो पापा भी लोड कर रहे हैं परता में, तो अभी हम भी चलते हैं। एक परता हमको भी बो के ले जाना है वहाँ पे, तो पता नहीं सर पे कुछ रखने के लिए भी नहीं है। मम्मी से टॉवल मांगेंगे, टॉवल देगी मम्मी? मम्मी तो गाइज ये देख सकते हो यहाँ पे लोड हो रहा है, एक परता में लोड हो चुका है और दूसरा परता बस बचा हुआ है। और पापा लोड कर रहे हैं और मम्मी बो रही है। मम्मी का तबीयत ख़राब है, मम्मी को बोल रहे कि नहीं बोने, फिर भी मम्मी बोल रही कि हमें बोएंगे, आपे बोएंगे बोल रही है। पहले चला ले भाई, गप चाय ले भाई, करवा दे पूरा गप चाय देखो, पहले भूसा दे, काला कनिया थे नाने भाई जी छत। तो गाइज अभी पापा बता रहे हैं कि जो धान वो छींटे हैं ना, वो सब को पंजा के हेल्प से गाइज उसको चलाएंगे, ताकि वो धान ना दिखे और चिड़िया भी ना चुगे। तो सबसे पहले वही चलाएंगे, उसके बाद फिर भूसा देंगे, उसके बाद फिर माइन देंगे। और अभी हमको बोले कि तुम मत बो, ये लोग बोले कि तुम मत बो, हम लोग दोनों ही लेके जाएंगे और तुम बस डंटा लेके आओ 4-5 गो, ताकि वहाँ पे गाड़ा जाए और चिड़िया उड़िया आसपास भी ना भटके। तो इस वजह से डंटा वंटा गाड़ा जाता है। तभी कोड़ी के मदद से हम डंटा 4 डंटा तोड़ेंगे और ले जाएंगे। और ये देख सकते हो पापा अपने सर पे लोड कर लिए और अभी मम्मी को बुहा देते हैं। खूंटा ले ले आ गए। हाँ हाँ खूंटा लेके आएंगे हम। आए मोर झारखंड प्यारा लगेला, आए मोर झारखंड सुंदर लगेला, आए मोर झारखंड प्यारा लगेला। तो फाइनली गाइस ये देख सकते हो तोड़ लिए गाइस किसी तरह। तोड़ने में बहुत दिक्कत हुआ गाइस, क्योंकि देख सकते हो ये वाला जो कुदाल है ना, वो वाला उतना शार्प नहीं है ना, इस वजह से गाइस टूट ही नहीं रहा था, कट ही नहीं रहा था। ये सिंध वायर कट ही नहीं रहा था, वो वाला तो हाथ से ही तोड़ दिया, बट ये वाला थोड़ा सा दिक्कत हुआ। तभी फिलहाल पूरा तोड़ लिया, तभी फटाफट ये सब सामान को पकड़ते और डायरेक्ट खेत निकलते। तो फाइनल गाइस यहाँ पे खेत पहुँच चुके हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ का काम पूरा कंप्लीट कर दिया पापा मम्मी भाई लोग। और ये देखो भाई डंटा गाड़ रहा है, अरे बीच में गाड़ो दी। तो ये देख सकते हो यहाँ पूरा काम दिख रहा है, यहाँ का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब बस एक जगह का काम बचा हुआ। हम सोच रहे थे कि पूरा दिन भर लग जाएगा यही सब काम करने में, बट गए दिन भर नहीं लगा, ये वाला तो हो गया, बस और एक खेत बचा हुआ, उसमें 1 किलो ही देना है। तो 1.5 किलो यहाँ पे धान छीटे, और वो वाला जो खेत है ना वहाँ पे गए 1 किलो ही छीटना है। यहाँ से थोड़ा मोड़ा कम टाइम लगेगा वो वाला खेत में। तो फिलहाल ये वाला काम कंप्लीट हो चुका है ये वाला खेत का, पापा बस सल्फेट छीटेंगे, उसके बाद सारा सामान हम लोग पैक उप करके डायरेक्ट वो वाला खेत निकलेंगे। हाय मोर झारखंड, हाय मोर सुंदर झारखंड, हाय मोर प्यारा झारखंड। तो फाइनली गाइस हम लोग दूसरा वाला खेत पे पहुंच चुके हैं, और ये देखो हमारे साथ हमारा भाई भी है। तो भाई कुछ बोलना चाहते हो तुम? नो गाइज। और इधर पापा मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ हम लोग ये वाला धान को कट कर रहे हैं। तो ये वाला धान को हम लोग छीटेंगे वहाँ पे। और गाइज हमारा फ़ोन में बैटरी ही नहीं है, ऐसे ही लेके आए थे, चार्ज भी नहीं किया था, इस वजह से गाइज बैटरी भी शॉर्ट हो गया। अभी जस्ट अलर्ट मैसेज आया था 20% का। और ये देख सकते हो धान भी छीट के पूरा कम्प्लीट हो चुका है, और पापा अभी सल्फेट छीट रहे हैं। तो सल्फेट छीटने के बाद हम लोग छीटेंगे भूसा, भूसा के बाद लास्ट में हम लोग छीटेंगे माइन। और ये देख सकते हो गाइस इस बार का धान पूरा पीला टाइप से, पिछले बार ऐसा पीला नहीं था। और ये देख सकते हो भाई अभी ये वाला को बांध रहा है। हाय मोर सुंदर झारखंड, हाय मोर प्यारा
गाइस अब माइंड बस छिटना है, उसके बाद फिर डायरेक्ट घर निकलना, बैटरी भी नहीं है, वीडियो भी नहीं बना सकता, अब डायरेक्ट घर निकल के ही वीडियो बनाएंगे गाइस। तो फाइनली गाइस आई मीन होम गाइस, तो उधर से आने के बाद गाइस मैं फोन को चार्ज पे डाल के गाइस नहाने गया था, और ये देख सकते हो इतना कपड़ा भी धोए, और फिलहाल अभी नहा धोवा के पूरा फ्रेश हो चुके गाइस। और अभी का सीन ये है कि मेरे को खाना खाना है, उसके बाद फिर वीडियो एडिट करके पब्लिक भी करना है, तो अभी फटाफट वीडियो एडिट करके पब्लिक करते हैं, उसके बाद फिर सो जाएंगे गाइस। तो गाइस आज का ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ब्लॉग पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।